शहर के कल्याणीपुरा स्थित प्रमुख मुक्तिधाम अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। रख रखाव के अभाव में इसकी दुर्दशा हो गई। यहाँ बनाए गए शेड टूट गए, पौधे सूखने लगे, इंटरलॉकिंग टाइल्स उखड़ने लगी। 7 साल पहले करोड़ों रुपए खर्च करके इस मुक्तिधाम को संवारा गया था। इसके बाद मेंटेनेंस पर नगर निगम ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये जर्जर हो रहे हैं। यहाँ शव दहन के लिए लगाए गए शेड खराब हो रहे हैं, चबूतरे जर्जर हो चुके हैं, साफ सफाई के अभाव में परिसर में भारी गंदगी है। यहाँ गार्डन भी बदहाल हो चुका है, प्रतिमाएं टूट गई, रात में शराबियों और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। बदहाली दूर करने की मांग लगातार की जा रही है, लेकिन नगर निगम प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा। कोई साफ सफाई करने वाला नहीं है, यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, काम होता ही नहीं है बिल्कुल भी, गंदी वाला कर रखा सब जगह। हम लोग रोज आते हैं, खाली हम तो दाना डाली चल जाते हैं हमारे चिड़ी कबूतरों को। भाई कभी सफाई वालों को बोलते हैं तो बोलता है कि भाई एडीएम में है, ये एडीएम के अंडर में आता है, तो एडीएम शिकायत करो आप। आज तो कोई आया नहीं सफाई करने वाला। नगर निगम के सफाई कर्मचारी आते हैं? नगर निगम का एक कर्मचारी नहीं आता साहब, एक दिन जोर से पकड़ के लाए थे, वो भी कोई समाज में कोई मर गया था, तो उसके लिए कोई सफा सफाई हो गया थोड़ी सी। बहुत हालत खराब है यहाँ पर। आपने कभी शिकायत की? शिकायत क्या, कई बार कह दिया था, बाहर से बोल दिया, कोई कराता ही नहीं है। बताइए भैया, यहाँ के शमशान, ये कल्याणीपुरा शमशान में यहाँ पे साफ सफाई नहीं रहती है। यहाँ पे रात को यहाँ पे दारू पीने वाला आते हैं, इनकी वजह से ये सब तोड़ फोड़ कर देते हैं, यहाँ पे लड़ाइयाँ होती है। और यहाँ के साफ़ सफाई बहुत कम रहती है, लाइटें भी नहीं है इसकी, जो भी लाइटें थी जो पीने वाला आते हैं वो सब तोड़ तोड़ के भाग जाते हैं। और बहुत सी यहाँ पे ये लंबा चौड़ा है, बहुत लंबा है ये शमशान, इसकी वजह से यहाँ पे दूर दूर से दारू पीने वाला आते हैं। स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शक तरोताज़ा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज़ आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।